नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया अपने 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। ऐसे में आज वो अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने एडमिस गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर तंज कसा और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने की बात कही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। ऐसे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां अल्मोड़ा के एडमिस गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित आम आदमी पार्टी की चुनावी जनसभा में डिप्टी सीएम सिसोदिया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं सिसोदिया ने कहा कि भाजपा कांग्रेस ने उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया है। वहीं आगामी 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में विकल्प बनेगी। साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने इतने सालों में बीजेपी और कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन हर बार इन्होंने जनता को धोखा दिया है। वहीं अब उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी को मौका देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में जबरदस्त लहर है और उन्हें पूरा विश्वास है कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार ही बनेगी। मैं यहां उत्तराखंड में आया हूं और उत्तराखंड की जनता से अपील करने आया हूं कि एक बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को भी मौका देके देखिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, धोखा खाया, बीजेपी को मौका दिया, धोखा खाया, फिर कांग्रेस को मौका दिया, फिर बीजेपी को मौका दिया, हर बार धोखा खाया। ये धोखा देती रहेंगी पार्टियाँ, ना स्कूलों के लिए कुछ करेंगी, ना अस्पतालों के लिए कुछ करेंगी, ना रोज़गार के लिए कुछ करेंगी, ना डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगी, ना महिलाओं के लिए कुछ करेंगी, ना बुज़ुर्गों के लिए कुछ करेंगी। ये धोखा देती रहेंगी। आप आम आदमी पार्टी को मौका देके देखिए, आप हमेशा के लिए बीजेपी और कांग्रेस को भूल जाएंगे। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।